ओके, नेहरूवियन और कार्ल मार्क्स की थ्योरी के हिसाब से अगर किसान को आज एमएसपी मिल भी गई तो उसके दो साल बाद यही होने वाला है, आप उसकी वेल डिस्ट्रीब्यूट करोगे और वो वेल डिस्ट्रीब्यूशन चला जाएगा घुसपैठिए पर। आप आज किसी को भी वेल दोगे वो चला जाएगा घुसपैठिए पर। एक बात बहुत सीधी है, अगर इस नेहरूवियन आइडियोलॉजी को लेकर जाना तो सबसे पहले जो राहुल गांधी है उन पर जितनी भी संपत्ति है उसको देश को बांट दे, उसका 55% दे दे, उसका वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दे। सोनिया गांधी पर, प्रियंका गांधी पर जितना वेल्थ है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दे, रॉबर्ट वाड्रा पर जितना वेल्थ है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दे। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, इस देश को बर्बाद करना बंद कर दीजिए, इस देश में जितने भी लोग हैं वो खुशहाली से आगे बढ़ रहे हैं, सबको बंद कर रोकना बंद कर दीजिए। और जिस तरीके की स्थिति आप लोगों ने बना दी है इस देश के बच्चों को, हाथ में कटोरा, मैंने आप सबको 30 सेकंड का टाइम दिया था। तहसीन पूनावाला और माधव आनंद हमारे साथ बने हुए, आप दोनों का वक्त है। तहसीन पूनावाला प्लीज आप इधर उधर की बात ना कीजिएगा, मैं आपको 50 सेकंड देती हूँ, टाइमर ऑन कर रही हूँ। मुझे ये बताइए ये फॉर्मूला घातक है देश के लिए या ये शानदार सक्सेसफुल फॉर्मूला है? विवेक जी कह रहे हैं नेहरूवियन फॉर्मूला। स्टार्ट्स, टाइम स्टार्ट सर, 50 सेकंड्स। रुबिका जी, तीन चीज। सबसे पहले, अगर इस मुल्क के अंदर घुसपैठिए आज भी 10 साल मोदी जी के सरकार के बाद, तो घुसपैठियों की जिम्मेदारी तो मोदी जी की आती, तो उनको बोल दीजिए राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन देते, आपके शो पे आते, देश से माफी मांगे। दूसरी बात, कहीं पर कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने अपने स्पीच में कहा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो सरकारी नौकरी और अपॉर्चुनिटीज की है गरीबों के लिए, जैसे बिहार में ब्राह्मण गरीब है। तीसरी बात, मैं दोबारा से कह रहा हूं, कहीं पर भी किसी का सोना मंगलसूत्र लेकर किसी और को नहीं दे रहे। मंगलसूत्र अगर किसी ने इस देश के लिए कुर्बान किए वो सोनिया जी है। मंगलसूत्र किसी का गया है तो ऑक्सीजन के समय लोगों का मंगलसूत्र उठ रहा है, जिस ऑक्सीजन के ऊपर एक सरकार ने जीएसटी लिया है उसके लिए मंगलसूत्र गया, उसके लिए सरकार माफी मांगे। जो मंगलसूत्र महिलाओं के सिर में वो छिनने वाली है सरकार है, इससे महिलाओं के मंगलसूत्र छिने है, ये सरकार की बात कर रहे हैं, ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं, ये देश के गरीब का आप लोगों ने अचानक जो है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है सर। मैं बाहर हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ आप लोगों को सुन पा रही हूँ। और खुदा न खास्ता आप में से किसी ने भाषा की मर्यादा तोड़ी तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, और बाकी सब आरोप ये लगाएंगे कि रूबे का लिया करके शो में रूबे का लिया करके फला को नहीं रोका। हाँ, लेकिन खून खोलना चाहिए, आपका खून खोलना चाहिए, ऑक्सीजन के ऊपर टैक्स पैसा लेने की बात कर रहे हैं, इन्होंने ऑक्सीजन पे टैक्स लगा हो जाएगी। मैं पहले ही डिस्क्लेमर लगा देना चाहता हूं, ऑक्सीजन पे टैक्स आज बंदा सूत्र की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन पे टैक्स लगा परसेंट पे लड़िए मत कर रही है, ऑक्सीजन नहीं करना चाहिए आपको, गब्बर सिंह टैक्स ऑक्सीजन पे कुछ नहीं होने वाला, इन्होंने लिया। आपको भी मंगलसूत्र की बात करें, कितनों का मंगलसूत्र उठ गया, वो बात करें मंगलसूत्र नहीं चलेगा ऐसे भाई, नहीं चलेगा ऑक्सीजन, मंगलसूत्र तो शुरुआत में ही लेने की बात कर दी आपने, कह तो रहे कि ले लेंगे। सोनिया जी ने देश के लिए मंगलसूत्र दिया और देश के हजारों लोगों ने दिया, हजारों लोगों ने दिया, ये शांति सूत्र है, लाखों लोगों ने दिया, क्या सोनिया जी ने शांति सूत्र है, रुक जाइए दोस्तों, माने दिया हर किसी ने दिया पैसा, शिवम पाटिल तहसीन पूनावाला, अगर आप मेरे सूत्र को नहीं मानेंगे तो मेरे पास एक अचूक फॉर्मूला है और वो अचूक फॉर्मूला ये कहता है कि मैं आप दोनों की आवाज डाउन कर लूं, मैं आप दोनों की आवाज डाउन कर लूंगी। शुक्र है आपने मेरी बात सुन ली है, वरना मैं आप दोनों की आवाज डाउन कर लेती। राम माधव जी, मामला मंगल सूत्र पर, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे, अमीर को गरीब, गरीब को अमीर बना देने पर, आप ग्राउंड जीरो पर आएंगे तो एहसास होगा कि लोग ये कह रहे हैं, सांसद माधव आनंद जी सॉरी, लोग ये कह रहे हैं कि सांसद ने मेरे लिए कितना काम किया है, इस उम्मीदवार ने मेरी कितनी सुनी है, सुनेगा तो काम करूंगा, नहीं वोट करूंगा, नहीं तो फिर कोई और ढूंढूंगा। निश्चित रूप से चुनाव में इसी तरह की बातें होनी चाहिए, क्योंकि जो भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके कामों का मूल्यांकन जनता करती है, वोटर करती है, और उसी बेसिस पे वोट डालने का जनता जैसा अपना मन बनाती है। अब जहां तक कांग्रेस और राहुल गांधी जी की बात है, राहुल गांधी जी किस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, कितना इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, जब उनको यह पता नहीं है कि आलू कैसे पैदा होता है, वो क्या से क्या बोलते हैं, उनके रणनीतिकार उनको क्या सजेशन देते, तो राहुल गांधी को कितना अर्थशास्त्र का ज्ञान है ये हम पूरे भारतवासियों को पता है। और जिस रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आखिर देश को लूटने का काम कांग्रेस से ज्यादा किसने किया है? कांग्रेस तो अपने पूरे शासन काल में एक घोटाला नहीं, कितने सारे घोटाले कांग्रेस के शासन काल में हुए हैं, देश अपना पीछे चला गया। और हम तो दूसरा व्यक्त गंभीरता के साथ कहना चाहते हैं रुबिका जी, जिस माइनॉरिटीज की बात कांग्रेस करती है, क्या अल्पसंख्यकों के साथ कांग्रेस ने न्याय करने का काम कभी किया? अगर कांग्रेस ने न्याय करने का काम किया रहता तो अल्पसंख्यकों की स्थिति
स्थिति भी दयनीय नहीं रहती। अगर अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए भी अगर किसी ने काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। एक योजना नहीं, कई सारे योजनाएं ऐसे 10 साल में है जहां लोगों के समाज के लिए काम करने का काम किया है। तो कांग्रेस तो तुष्टीकरण के नीति के तहत डराने धमकाने खुश किया जाए इस नीति पे हमेशा से लगी रहती है। अगर कांग्रेस को उतनी ही गरीबियों की चिंता है तो कांग्रेस सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका में आप लोगों ने पहले गिना कहा है? आपने सिखों को गिना कहा है? आपने पारसियों को गिना कहा है? कौन कह रहा है? आपके लिए अल्पसंख्यक मतलब एक ही तो होता था, आपके लिए अल्पसंख्यक एक ही तो हुआ करता था। कौन था वो, मुझे बताने की जरूरत है? सबको पता है, पूरे भारतवासियों को पता है कि अल्पसंख्यक का अर्थ कांग्रेस के लिए क्या है, वो सबको पता है। तहसीन पुनावाला बताइए, आप सिख सिख कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली अ सेक्युलर पर्सन, लेकिन मुझे बताइए कि अल्पसंख्यक के माने क्या हुआ करते थे कांग्रेस के लिए? विवेक जी बताइए सच्ची। मैं सच बता रहा हूं। फिर मैं मनमोहन जी का बयान सुनाऊं? बिल्कुल सुनाओ, पूरा बयान सुनाओ। एक मिनट। देखिए, एक तो कंफ्यूजन है यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है, और जो कि ना बीजेपी के प्रवक्ता को समझ में ना आ रहा है, ना मेरे मित्र आनंद मोहन जी को, कि डिबेट इकोनॉमी किसी पे है या हिंदू और मुसलमान पे है। समझा दो, आई डोंट अंडरस्टैंड मॉडल को, तो वही समझने को तैयार नहीं हो रहे। बताइए, बता दीजिए ना। नहीं, नेहरूवियन मॉडल बताइए ना। सुनिए पहले, अरे जो नेहरू फैमिली के बहुत करीबी है उनको ही समझ में नहीं आ रहा नेहरूवियन मॉडल, वो कह रहे मैं नहीं दूंगा अपना पद। सुनिए तो सही, शिवम जी सुनिए तो सही ना। पहले सुनिए फिर आप उत्तर दीजिए। देखिए, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे पता नहीं है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का पता नहीं है विवेक जी, लेकिन मेरे शो में टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया होगा, ठीक है? अमीर का हक छीना नहीं जाएगा और गरीब को जबरदस्ती का टाइम दिया नहीं जाएगा। थैंक यू, बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैंने थैंक्स एंड वी आर ऑल वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। अब आप सुनिए, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसमें ये जुमला कि सब कुछ अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उठा करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ये कहां से आया मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से ये कम्युनल एजेंडा है और बीजेपी को नहीं फॉलो करना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू जो है, जो इन्होंने कहा आनंद मोहन जी ने, जी देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के अगर रिसर्च पेपर किसी ने पढ़े हो फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले, हाँ माधव आनंद, सॉरी माय अपोलॉजीज, तो वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट थे हमेरा हमेशा, जिन्होंने सोशलिज्म को चैंपियन किया था, लेकिन जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उसके बाद ही बिकेम द चैंपियन ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अगर आपने पढ़ा हो। और उसके बाद जो वो नीतियां आए जिसकी मुखालिफत बीजेपी ने करी थी, स्वदेशी जागरण मंच बीजेपी ने बनाया था और कहा था ये नीतियां गलत हैं, समाजवादी मॉडल जो चल रहा है वो सही है। इनहेरिटेंस टैक्स की जो बात थी ना सर, राजीव गांधी ने उस इनहेरिटेंस टैक्स को हटाया था। आप बोलते हैं ये कैसे आप जोड़ लेते हैं कि अल्पसंख्यकों में बांट दिया जाएगा और फला चीज कर दी जाएगी और ये चीज कर दी जाएगी। क्रोनोलॉजी समझिए ना सर, एक टाइम पर एक एक बयान सिरों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर नजर आएगी कि एक आदमी जो सोच रहा है उसके पीछे का विचार क्या है।